Hello students, today our topic is Python pandas, and in this lecture we are going to discuss about series, and we'll see how we can create series, how we can access different element of a series. So let's start. So students, सबसे पहले start करते हैं Python pandas के बारे में कि Python pandas क्या है, और इसमें फिर हम इसके two data structure, series और data frame के बारे में discuss करेंगे. So pandas is a software library written for the Python programming language for data manipulation and analysis. In particular, it offers data structure and operations for manipulating numerical tables and time series. देखिए, pandas एक software library है. Python के अंदर एक library है. Programming language है Python आपकी, उसमें एक library है. और ये library different functions provide करती है, जो data manipulation और analysis का काम करता है. तो हम कह सकते हैं कि पाइथन पांडास एक लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस का काम करती है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए. पाइथन प्रोग्रामिंग हम जैसे जानते हैं कि डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, और हमें कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड किसी फंक्शन को अगर हमें एक्सेस करना है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो वो एक लाइब्रेरी का पार्ट होता है. उस लाइब्रेरी को आपको अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट करना होता है, फिर आप उसके फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसी एक लाइब्रेरी पाइथन पांडास है, पाइथन में पांडास है, जो डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस के लिए एनालिसिस में काम आती है आपकी. तो ये क्या काम होता है इसके अंदर, ये डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, और इसमें बेसिकली टू टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक सीरीज़ और एक डेटा फ्रेम. जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, इट मीन्स डेटा एक वेल मैनर्ड वे में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. डेटा पर डिफरेंट टाइप्स के डेटा पर जो अरेंज होता है, उसमें हम रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं इसमें, तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है. तो ऐसे ही पाइथन पांडास में टू डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, एक है सीरीज़ और एक डेटा फ्रेम. सीरीज़ और डेटा फ्रेम में डिफरेंस इतना ही है कि सीरीज़ यहाँ वन डायमेंशनल है, और डेटा फ्रेम आपका वहाँ पर टू डायमेंशनल है. तो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं डेटा फ्रेम में, डेटा स्ट्रक्चर में, पर्टिकुलर सीरीज़ हो या बात हो आपकी डेटा फ्रेम की. तो स्टार्ट करते हैं सीरीज से. तो यहाँ तक दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन पांडास एक लाइब्रेरी है, पाइथन पांडास एक लाइब्रेरी है, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और ये डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस के लिए यूज़ होती है आपकी. किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना है पाइथन पांडास से, तो आपको उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोग्राम में, और ये डिफरेंट टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है. बेसिकली टू टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर इनको ये सपोर्ट करते हैं, एक है सीरीज़ और एक है डेटा फ्रेम. बात करते हैं सीरीज़ की. तो पाइथन पांडास सीरीज से वन डायमेंशनल, वेयर इज अ डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल. Therefore, a single column data frame can have a name of its single column, but a series cannot have a column name. In fact, each column of the data frame can be converted to a series. देखिए, जैसा भी मैंने आपको बताया कि डेटा फ्रेम में एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं, मोर देन वन कॉलम होता है. टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, तो मोर देन वन कॉलम होंगे ही होंगे इसमें. सीरीज़ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है. सीरी डेटा फ्रेम में डिफरेंट जो कॉलम्स होते हैं, बेसिकली उनको हम सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. दो सीरीज़ को ऐड करके कॉलम डेटा फ्रेम भी बनाया जा सकता है. तो चूँकि सीरीज़ में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, तो उस कॉलम का कोई नेम नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, उस कॉलम का कोई नेम नहीं होता. तो जैसे यहाँ पर हम एक सीरीज़ की बात करते हैं, तो एक सीरीज़ असेंशियली कॉलम. सीरीज़ एक ऐसे समझिए कि एक एक्सेल की शीट है, उसमें एक कॉलम है जो आपकी एक सीरीज़ है, ठीक है. और डेटा फ्रेम आपको मल्टी डायमेंशनल टेबल होती है, जो डिफरेंट सीरीज से मिलकर बनी होती है. जैसे एक डेटा फ्रेम में एप्पल और ऑरेंज, तो हम कह सकते हैं इसमें एप्पल की एक सीरीज़ हो जाएगी, ऑरेंज की एक सीरीज़ हो जाएगी. तो डेटा फ्रेम में कह सकते हैं डिफरेंट सीरीज से मिलकर बनता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, ठीक है. तो एक कॉलम डेटा फ्रेम का आपका एक सीरीज़ कहलाता है. अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम क्रिएट कैसे करेंगे इस सीरीज़ को. तो इसके लिए जो कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है सीरीज़ के लिए, कंस्ट्रक्टर है सीरीज़, नेम ही है सीरीज़, कंस्ट्रक्टर है तो नेम सेम ही होगा. तो सीरीज़ है, एस कैपिटल बनेगा, याद रखिएगा. और इसमें हम फोर पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं, और सबसे पहला जो हमें काम करना होगा वो ये करना होगा कि हमें पाइथन पांडास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा. देखिए, आपने इंस्टॉल कर लिया है, बहुत अच्छी बात है. आप एन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन पर भी काम कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है. इट डजेंट मीन कि आपने चूँकि इंस्टॉल कर लिया है, लाइब्रेरीज का पार्ट है, तो आप अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट किसी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. फंक्शन को, किसी को भी जो किसी लाइब्रेरी का पार्ट है, अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए आपको उस फंक्शन को
उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको उस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होगा अपने प्रोग्राम में। और हम पहली लाइन जो लिखते हैं वही लिखते हैं इम्पोर्ट पांडास। उसको कोई अल्टरनेटिव नेम दे सकते हैं, जैसे एस पी डी कर दिया आपने, तो पी डी से ही फिर आप एक्सेस करोगे उसके डिफरेंट फंक्शंस को, ये अलग बात है, लेकिन ये लिखना पड़ता है इम्पोर्ट पांडास। तो अब पांडास को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक, तो अब आपको सीरीज़ फंक्शन को यूज़ करना है, तो आप लिखेंगे पांडास डॉट सीरीज़ फंक्शन या कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर दोनों सेम ही है, और फोर पैरामीटर्स वैल्यू होती हैं जो इसके अंदर हमें पास करना होता है। एक तो डेटा, वो डेटा जो आपको सीरीज़ क्रिएट करने के लिए चाहिए। सेकंड है इंडेक्स। देखिए जब आपका डेटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो डेटा एक कॉलम की फॉर्म में आएगा, और जो एक सिंगल कॉलम होता है वही आपकी, जैसा हम जानते हैं कि एक सीरीज़ होती है, उस कॉलम के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी की एक इंडेक्स वैल्यू होगी, एक पोजिशन होगी जो इंडेक्स वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रही होगी, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0, 1, 2 इस तरीके से होती है, 0 से स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। या हम कह सकते हैं एन पी डॉट अरेंज एन फंक्शन से उसे अप्लाई कर सकते हैं हम, अप्लाई होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अरेंज एन का मतलब ही है कि 0 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा आपका, एन माइनस वन तक जाएगा आपका, लास्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता उसमें। और सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास सीरीज़ है, ठीक है, और आपने इंडेक्स मेंशन नहीं किया, उसका इंडेक्स वैल्यू मेंशन नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। एक डेटा हो गया, एक इंडेक्स हो गया। इसके बाद डी टाइप, आप डेटा टाइप को मेंशन करना पड़ेगा आपको, डेटा टाइप क्या है, ठीक है, और डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो कंसीडर होगी। और इसके बाद कॉपी, कॉपी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपको कॉपी इज इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा। तो ये फोर पैरामीटर्स होते हैं, डेटा, इंडेक्स, डी टाइप और कॉपी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है मल्टीपल चॉइस की अगर हम बात करें कि सीरीज़ में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, तो आपको आंसर लिखना है 4 पैरामीटर्स होते हैं। सभी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी इंडेक्स की, डी टाइप की और कॉपी की, कॉपी की फॉल्ट होती है याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अगर हम डेटा ही पास ना करें तो क्या होगा, क्या डेटा को पास करना ज़रूरी है, तो क्या सीरीज़ क्रिएट होगी। आंसर बिल्कुल क्रिएट होगी, लेकिन उस सीरीज़ के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, इट मीन्स एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि सीरीज़ क्रिएट करते हैं और कोई डेटा वैल्यू पास नहीं करते तो एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होती है उस केस के अंदर, तो ये याद रखिएगा। तो सीरीज़ कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज देखिए आप किसी एक एरे की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, और कोई किसी स्केलर वैल्यू या कांस्टेंट की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले यही कि अगर आपको एम टी सीरीज़ क्रिएट करना है तो क्या होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस में एम टी सीरीज़ क्रिएट करने के लिए। याद रखिएगा फोर पैरामीटर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो डेटा होता है, डेटा तो एटलीस्ट आपको पास करना ही होता है अगर आप वाकई में एक सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो जिसमें कुछ एलिमेंट्स हों। लेकिन अगर आप डेटा ही पास नहीं करेंगे तो सीरीज़ तो ऐसा नहीं है सीरीज़ क्रिएट नहीं होगी, सीरीज़ तब भी क्रिएट होगी लेकिन उस सीरीज़ में कोई एलिमेंट नहीं होगा, इट मीन्स वो एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होगी। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एम्प्टी सीरीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको डेटा पास नहीं करना है, इनफैक्ट आपको कोई पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करनी, तो फिर आप एक एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट करेंगे जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले हम पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एस बी डी, उसके बाद एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, और जैसा आप देख रहे हैं एक भी पैरामीटर वैल्यू पास नहीं किया इसके अंदर, तो चूँकि पास ही नहीं किया तो सीरीज़ तो क्रिएट होगी, सीरीज़ कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है आपने तो सीरीज़ तो क्रिएट होनी है, लेकिन वैल्यू कुछ पास नहीं की है तो सीरीज़ में कोई एलिमेंट नहीं होगा, और सीरीज में जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो एम टी सीरीज़ क्रिएट होगी। उसके बाद अगर आप प्रिंट एस कराते हैं, एस यहाँ पर सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस में हमने सीरीज़ एक वेरिएबल है जिसमें हमने इस वेरिएबल के नेम से हमने एक सीरीज़ बनाई है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो एक एम टी सीरीज़ का आएगा और जो बताएगा कि सीरीज़ तो क्रिएट हुई है पर इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब सेकेंड बात करते हैं एन डी एरे की, ठीक है। तो देखिए एरे के लिए जब कभी भी आपको एरे का यूज़ करना है या एरे पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको जो पहला काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि एरे से रिलेटेड जितने ऑपरेशंस होते हैं वो नंपाई लाइब्रेरी से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर तो हमको करना ही है कि एरे क्रिएट करना है और एरे की हेल्प से सीरीज़ क्रिएट करनी है। तो जब एरे क्रिएट करना पड़ेगा तो उसके लिए फंक्शन एक होता है यहाँ पर एरे फंक्शन, और उसका यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि एरे से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो आपको नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको नंपाई को इम्पोर्ट करना है, साथ ही साथ आपको पांडास को भी इम्पोर्ट करना है क्योंकि आपको यहाँ पर सीरीज़ क्रिएट करनी है। तो एक एरे क्रिएट करना है उसके लिए नंपाई की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सीरीज़ क्रिएट करना है तो उसके लिए पांडास की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो हम दोनों लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करा लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, और सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी। आप खाली इम्पोर्ट पांडास और इम्पोर्ट नंपाई लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन फिर इतना ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम में आपको लाइब्रेरी का कंप्लीट नेम लिखना पड़ेगा। पांडास डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा, नंपाई डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा। आपने पी डी कर दिया है, एन पी कर दिया है, तो जहाँ पांडास लाइब्रेरी के फंक्शन को आप यूज़ करोगे तो वहाँ आप पी डी डॉट फंक्शन नेम लिखोगे। जहाँ नंपाई लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज़ करोगे वहाँ आप नंपाई डॉट फंक्शन नेम लिखोगे, अगर आपने एन पी कोई से अल्टरनेटिव नेम नहीं दिया है। यहाँ पर हमने अल्टरनेटिव नेम दे रखे हैं ऐसे पी डी और एन पी। तो अब आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम पी डी और एन पी यूज़ करना है, ठीक है। पांडास और नंपाई यूज़ नहीं करना है। एक बार आपने नेम दे दिया तो आप पांडास को यूज़ नहीं करना है, आपको याद रखिए। नंपाई को भी यूज़ नहीं करना है आपको। अब आपको पांडास को पी डी ही लिखना है, नंपाई को एन पी लिखना है। तो डेटा एक हमने एक एरे ले लिया, एरे का नेम ही डेटा ले लिया, तो हम एरे फंक्शन का यूज़ करेंगे। एरे फंक्शन के लिए देखिए आपके पास रॉ डेटा होना चाहिए कुछ। तो डेटा हमने एक लिस्ट की फॉर्म में ले लिया और इस लिस्ट को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दिया हमने एरे फंक्शन में। तो हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और फिर देखिए एक लिस्ट पास की है ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, फोर कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर्स आपके एक एरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जो लिस्ट की फॉर्म में दे रखा है। तो लिस्ट एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगी और एरे का नेम होगा डेटा। अब हमारे पास एक एरे है, एरे का नेम डेटा है। अब उस एरे को मुझे सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़ डेटा। डेटा को एक वैल्यू पास कर दूँगा, एज ए वैल्यू पास कर देंगे जब हम फंक्शन के अंदर। तो होगा क्या होगा, ये कि ये आपका जो एरे है आपका सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़ डेटा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा आपको मैंने कोई अदर पैरामीटर यूज़ नहीं किया है, ना तो इंडेक्स यूज़ किया है, ना डी टाइप, ना कॉपी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर होंगी इस केस के अंदर। और उसके बाद हम सीरीज़ को प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट के लिए हम लिखेंगे प्रिंट एस, देखते हैं एक सीरीज़ क्रिएट हो रही है जिसमें इंडेक्स पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट जीरो से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक। अभी एक इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करके भी देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से एक प्रोग्राम बनाया गया है। प्रोग्राम में पांडास और नंपाई को पहले की तरह इम्पोर्ट किया गया है, उसके बाद एरे फंक्शन का यूज़ किया गया है, ठीक है। लिस्ट की हेल्प से एक एरे क्रिएट कर लिया हमने, लिस्ट को एज ए डेटा वैल्यू पास कर दिया, पैरामीटर वैल्यू पास किया हमने एरे फंक्शन में। तो हम होगा क्या कि लिस्ट एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। एरे को अब हम सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। देखिए करने को तो आप लिस्ट को डायरेक्ट भी सीरीज़ में कन्वर्ट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात यह है कि हमें एरे के थ्रू समझना है इसको, एक एरे कैसे क्रिएट होगा। तो पहले एरे क्रिएट करना होगा आपको, और एक जब एरे क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपका आप सीरीज़ भी आसानी से क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पर पहले की तरह ही है सब कुछ। एक एरे क्रिएट किया जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, एरे का नेम है डेटा। लेकिन इस बार हमको एक काम करना है इसमें, और वो ये करना है कि हमें डिफरेंट इंडेक्स जो वैल्यू है वो चेंज करनी है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उनको चेंज करना है। तो यहाँ पर इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करेंगे जब हम सीरीज़ क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, और पैरेंथेसिस वैल्यू पास करेंगे डेटा कॉमा इंडेक्स वैल्यू पास कर दी 100 101 102 103। तो फोर डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर दी आपने, और फिर लिखेंगे प्रिंट एस। तो जो सीरीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीरीज़ है, ए बी सीरीज़ का एलिमेंट है, 100 101 102 103 इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो इसमें एज ए इंडेक्स वैल्यू हम पास कर देंगे। तो ये हो गया, ये हमने सीखा किस तरीके से हम एक एरे को एक सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक डिक्शनरी को एक एरे में कन्वर्ट करेंगे, डिक्शनरी को एक सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे।
डिक्शनरी के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिक्शनरी होती है उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है? अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स ऑर्डर नहीं है इसमें एलिमेंट्स का, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेंशन किया जाता है उनकी कीज़ के साथ हमेशा, तो हमेशा की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आपका रिप्रेजेंटेशन होता है डिक्शनरी में, पहले हम की लिखते हैं, उस की के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू होगी, कॉलन करके हम वैल्यू लिखते हैं, और इसी तरीके से की वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखते हुए हम कॉमा से सेपरेट करते हुए जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि ठीक है, हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे सीरीज़ में, तो की का क्या होगा? वैल्यू तो समझ में आ रहा है कि वैल्यू तो ठीक है, सीरीज़ के वैल्यू बन जाएंगी, की का क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है कि जो कीज़ की कीज़ होती हैं वो एक्चुअली इंडेक्स का काम करती हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स पैरामीटर भी शायद अगर इंडेक्स पैरामीटर अगर पास नहीं करेंगे तो भी होगा क्या कि जितने भी आपके कीज़ हैं वो इंडेक्स का काम करेंगे यहाँ पर। जैसे इसके अंदर लिखा आपने इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, उसके बाद लिखा इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी, और फिर आपने डेटा इसके अंदर पास कर दिया, एक डेटा एक डिक्शनरी ले ली, और इसमें ऑब्वियसली बात है कि जब डिक्शनरी लेंगे तो की और वैल्यू हमें दोनों मेंशन करनी पड़ेंगी। तो की ले ली ए, वैल्यू ली इसके रेस्पेक्ट में ज़ीरो, तो हम लिखेंगे ए कॉलन ज़ीरो कॉमा, एक कैरेक्टर है इसलिए इसको एक सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर बी वन और फिर सी टू, ठीक है, और फिर लिखेंगे एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज डेटा, डेटा को एज ए वैल्यू पास कर देंगे इसमें, और फिर सीरीज़ को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एस लिखेंगे, तो होगा क्या कि सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी, और जैसा आप देख रहे हैं 0 1 2 प्रिंट हो जाएगा उसके, और इंडेक्स वैल्यू के साथ प्रिंट होगा। तो जो मैंने इसमें एडवांटेज ये मिलता है डिक्शनरी का कि डिक्शनरी से सीरीज़ में कन्वर्ट करने का, कि सीरीज़ के जो आपकी इंडेक्स पोजिशन होती है, इंडेक्स वैल्यूज होती हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं यहाँ पर, और वो की जो होती है वो इंडेक्स वैल्यू का काम करती है यहाँ पर। तो ए बी सी इंडेक्स वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पर, और 0 1 2 उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू हो जाएंगी, इस तरीके से सीरीज़ क्रिएट होती है। यहाँ पर ये भी नोटिस करने वाली बात है कि हमने इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करने से क्या हो जाएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर सेम हमने काम किया है, हमने डिक्शनरी ली है और इस बार इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ किया है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब ऑटोमेटिकली की इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाती है, इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, तो इंडेक्स पैरामीटर का क्या काम है, हमें उसकी ज़रूरत क्या है? देखिए दो बातें यहाँ पर। पहली बात तो ये कि जब हम इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करेंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे इंडेक्स की, तो वो जो वैल्यू देंगे वो डिक्शनरी की हो भी सकती हैं और की नहीं भी हो सकती, ठीक। पहली बात तो ये, अगर वो की है तो चूँकि उनके रेस्पेक्ट में ऑलरेडी वैल्यू है और डिक्शनरी से हमने सीरीज़ को कन्वर्ट किया है, तो रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा आपको उसके रेस्पेक्ट में, की के रेस्पेक्ट में वैल्यू दिखाई देगी, पहली बात। लेकिन अगर आपने कोई इंडेक्स पैरामीटर में कोई ऐसी इंडेक्स वैल्यू ली है जो की है ही नहीं, तो उस केस में एक रो और ऐड हो जाएगी, ठीक, एक रो और ऐड हो जाएगी जिसमें की तो होगी लेकिन चूंकि की के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वहाँ पर एन एन से शो होगा रिजल्ट। एन एन का मतलब नॉट ए नंबर, इसका मतलब नंबर फाइंड आउट नहीं हो। थर्ड ये पॉइंट है कि अगर आपने एक डिक्शनरी ली है, डिक्शनरी में की वैल्यू है, लेकिन आपने इंडेक्स पैरामीटर में उसे यूज़ नहीं किया है, तो बेशक वो डिक्शनरी में है लेकिन चूंकि आपने इंडेक्स पैरामीटर में यूज़ नहीं किया है, तो वो सीरीज़ में शो नहीं होगी, सीरीज़ का पार्ट नहीं होगी। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जिस ऑर्डर में आपने इंडेक्स पैरामीटर में कीज़ को लिखा है, उसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में सीरीज़ के एलिमेंट भी रिप्रेजेंट होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपने लिखा बी सी डी ए, तो पहले बी आएगा, बी के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है 1 1 शो होगी, फिर सी आएगा, सी के रेस्पेक्ट में वैल्यू 2 शो होगी, फिर डी आएगा, चूँकि डी है ही नहीं तो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू एन एन से होगी, एन एन का मतलब इसमें नंबर फाइंड आउट नहीं है, तो एन एन से शो होगा, एन एन का मतलब होता है नॉट ए नंबर, यहाँ कोई नंबर नहीं है। और फिर आपका ए, ए के रेस्पेक्ट में तो 0 है तो 0 प्रिंट होगा, तो ऑर्डर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा जो आप ऑर्डर देंगे इंडेक्स में। तो इंडेक्स पैरामीटर यूज़ करने का एडवांटेज यह होता है कि एक तो हम ऑर्डर फिक्स कर देते हैं, दूसरा अगर हम ये चाहते हैं कि कोई डिक्शनरी का पार्ट है कोई एलिमेंट या की वैल्यू है, हम कॉम्बिनेशन कोई पार्ट है और हम इसे नहीं चाह रहे कि हमारे सीरीज़ में वो शो हो, सीरीज़ का पार्ट बने, तो हम उसे इंडेक्स में नहीं लिखते। और अगर हम कोई अलग से ऐड ऐसा कर देते हैं कि एक इंडेक्स वैल्यू जो की नहीं है, तो उस केस में आपका क्या होता है कि सीरीज़ में तो वो
आपका ऑब्वियसली बात है कि वो इंडेक्स वैल्यू दिखाई देगी, लेकिन चूंकि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तो फिर वहाँ एन एन से वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रिएट ए सीरीज़ फ्रॉम स्केलर। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है तो क्या हम कांस्टेंट की हेल्प से सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। कांस्टेंट है तो सिंगल वैल्यू होगी और हम उसका रिपीटेशन करना चाहते हैं मोर देन वन टाइम्स, तो क्या करेंगे हम उसके अंदर? तो सबसे पहले तो काम हमको ये करना होगा कि आप पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लीजिए। इस केस में नंपाई को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, लाइब्रेरी को तभी आप इम्पोर्ट कीजिए जब आपको उसकी ज़रूरत है। अगर गलती से आपने कर भी लिया है तो एरर नहीं आती, ठीक है। लेकिन होता ये है कि जब आपको किसी लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी किसी फंक्शन को आपको यूज़ करना है तब आप लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो यहाँ लिखा आपने एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, ओके। आपने लिखा फिर एक डेटा की जगह एक कांस्टेंट है तो आपने वो कांस्टेंट वैल्यू पास कर दी जो इस केस में 5 है, और इंडेक्स की आपने 4 वैल्यू दी थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, समझने वाली बात ये है, प्रॉब्लम तो नहीं, समझने वाली बात ये है कि नंबर 1 है और इंडेक्स वैल्यू 4 है तो क्या होगा? तो ये याद रखिएगा, यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है आपका। तो होगा ये कि वो नंबर 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, जितनी इंडेक्स वैल्यू उनके लिए सभी के लिए वो नंबर रिपीट हो जाएगा। तो 4 इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3, तो आपका 5 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, 0, 5, 1, 5, 2, 5 और 3, 5, इस तरीके से ये शो होगा। तो नंबर रिपीट हो जाता है इस केस में। और अगर हम इंडेक्स यूज़ ही नहीं करते तो सीरीज़ क्रिएट होती जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता 5। तो जितनी इंडेक्स वैल्यू होंगी उतनी बार कांस्टेंट वैल्यू रिपीट हो जाएगी सीरीज़ में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। अब बात ये करते हैं कि सीरीज़ क्रिएट करना हम सीख गए एरे की हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से, लिस्ट की हेल्प से, हमने पिछली बार देखा ही था, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरीके से टपल की हेल्प से भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार सीरीज़ क्रिएट हो गई तो अब उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाए? तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन लिख देते हैं, तो और उससे पहले सीरीज़ का नेम, जैसे मैंने लिखा S0, मान लीजिए स्ट्रिंग, मान लीजिए सीरीज़ का नाम S है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने S और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 0 लिखा, इट मीन सीरीज़ S के 0 एलिमेंट पर, 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो आपका, उसको हम एक्सेस करने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सीरीज़ बना लेते हैं PD डॉट, सबसे पहले इम्पोर्ट पांडास एस PD, फिर एक सीरीज़ ली एस इक्वल टू PD डॉट सीरीज़ 1, 2, 3, 4, 5, इंडेक्स वैल्यू दी थी ABCDE, ठीक है। अब इसके हम फर्स्ट एलिमेंट को रिट्रीव करना चाहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है A को, तो हम लिखेंगे प्रिंट S0। अब यहाँ पर देखिए दो बातें हैं, एक तो आपने इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ किया है तो उसके बाद आपने डिफरेंट इंडेक्स वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो आप ABCDE से आपको इसको डिफरेंट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, समझ में आ ही रहा है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इंडेक्स की, पोजीशन होती हैं, उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। इट मीन्स A को या किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इंडेक्स की उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, और जो वैल्यू आपने दी है उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने लिखा प्रिंट S0, तो 0 लोग पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसे एक्सेस हो जाएगा, इट मींस आपका 1 आएगा आंसर। और अगर हम प्रिंट S और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A लिखते हैं, कैरेक्टर A लिखते हैं, तो भी आपका 1 ही आएगा आंसर। तो जो इंडेक्स पोजीशन आपने दी है उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट होती है उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है तो रेंज के लिए हम जानते हैं कॉलन का साइन यूज़ होता है। जैसे आपने लिखा है इसके अंदर एक सीरीज़ है, सीरीज़ वही है जो अभी ली थी हमने। अब लिखा प्रिंट S-3 colon, तो -3 का मतलब है ये स्टार्ट पोजीशन है, कॉलन के बाद कुछ नहीं दिया तो एंड पोजीशन मेंशन नहीं किया तो लास्ट तक जाएगा। तो -3 का मतलब ये है कि हम नेगेटिव, हम रिवर्स डायरेक्शन से थर्ड एलिमेंट लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है ई, सेकेंड है डी और थर्ड है सी, ठीक है। तो सी से लेकर ई तक सभी एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा CDE पर आएंगे 3, 4, 5, ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये किस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है, इसका डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा।
तो तब तक के लिए स्टूडेंट इतना ही, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा कॉन्सेप्ट पर और सीरीज़ को क्रिएट करके देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।